चलो ओ मोबाइल जी, इसमें थाना आदमपुर क्षेत्र में रात्रि में चेकिंग के दौरान एक गैंग पकड़ा गया है, जिनमें की पूर्व में कई घटनाएं की है डीजल चोरी की। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, रामपुर, मुरादाबाद, रुद्रपुर और अमरोहा इत्यादि कई जगहों पर जो पेट्रोल पंप है उनमें से डीजल चुराने का ये काम करते थे। इनसे एक कैंटर बरामद हुआ, उसके अंदर लगभग 60 केन थे जिसमें कि 3200 लीटर डीजल भरा था, और इनके पास से तमाम सामान बरामद हुआ है जो डीजल चोरी करने में इस्तेमाल करते थे। एक पंप बरामद हुआ, हस्तचलित पंप है, जिससे कि प्लास्टिक का पाइप ये डीजल टैंक में डालकर वो पंप के द्वारा ये केन भरते थे, और केन को जो कैंटर है उसके माध्यम से ये ले जाकर ब्लैक में बेचा करते थे। जी सर, पंप में कैसे सैंधवारी करते थे? ये पंप में अक्सर ये देखा करते थे कि ऐसा पंप जहाँ रोशनी की व्यवस्था ना हो, जो बंद पड़ा हो, जहाँ कोई चौकीदार इत्यादि ना हो, उसमें ये जाते थे, और वहाँ लगभग 1 से 2 घंटे में इनको ये पूरा काम करने में समय लगता था। यदि कोई बीच में आता तो ये निगरानी पर भी रखते थे और बीच में काम बंद कर देते, पुनः ये शुरू कर देते। जो टैंक होता है अंडरग्राउंड टैंक, उसका ये ताला तोड़ते थे, ताला तोड़ने के बाद एक प्लास्टिक का पाइप उसमें डालकर, और काफ़ी लंबे 100 मीटर लंबा पाइप है इनके पास, वो अंदर डालकर उसे एक पंप में जोड़कर उस पंप के माध्यम से ये डीजल बाहर निकालते थे। चूँकि पंप हस्तचलित था इसलिए उसमें किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होती थी, तो किसी को शक भी नहीं होता और ये अपना काम रात्रि में पूरा कर लेते। अच्छा सर, जो ये कितने सदस्य हैं इसमें? इस पूरे गैंग में 8 सदस्य अभी तक सामने आए हैं, जिनमें से कि हमने 4 गिरफ्तार कर लिए हैं, 4 फरार चल रहे हैं। पूर्व में भी ये गैंग एक बार जनपद संभल से जेल जा चुका है, कुछ साथी इस गैंग के, कुछ अभी नए जुड़े हैं वो हमने गिरफ्तार किए हैं, एक पुराना साथी भी है इसमें। और इनकी ये जो एक बार में लगभग 2 लाख रुपए का डीजल ये चोरी कर लेते थे और उसे ब्लैक मार्केट में बेचते थे। बेचा किन लोगों को करते थे सर? बेचने वाले में ये अपने ये गैंग के 8 लोगों में से जो प्रमुख 3 लोग हैं वो बेचने का काम करते थे, जिसमें कि ये जो जनरेटर पंप है गांव में किसानों को, जो ट्रक हैं ढाबों पे उनको बेचने का ये काम करते थे, और जो फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है, उम्मीद है उनसे और जानकारी प्राप्त होगी। क्या क्या बरामद हुआ है? ये जैसे पेट्रोल में लिखा है पूरे मामले में, ये पेट्रोल सीसीटीवी फुटेज सामने आ पाए नहीं, ऐसा कोई फुटेज सामने नहीं आया है, क्योंकि यह घटना करने से पहले पूरी देखी करते थे, 1-2 दिन पहले जाते भी थे और अपने मुखबिरों के द्वारा जानकारी प्राप्त करते कौन सा पेट्रोल पंप है जो बंद है, या कौन सा पेट्रोल पंप है जहां चौकीदार नहीं है, जहां पर अंधेरा रहता है, किस समय अंधेरा रहता है, यह पूरी जानकारी करने के बाद ये घटना अंजाम देते थे। क्या बरामद हुआ जी? इसमें इनसे 4 तमंचे बरामद हुए हैं जो ये अपने साथ लेकर चलते हैं, और इसके अलावा 4 मोबाइल, लगभग 3 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, और इनसे 3200 लीटर डीजल बरामद हुआ है, एक कैंटर बरामद हुआ है, और तमाम सामान बरामद हुआ है जो कि यह डीजल चोरी में